गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी बज रहा है सुबह के 8:10। मैं रात में सोया था भाई, लगभग 3 साढ़े 3 बजे। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आँख अपने आप ही सुबह सुबह 7:30 बजे खुल गई। अब मैं उठ ही गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑफिस का काम ही निपटा लेता हूँ। ऑफिस का काम जल्दी निपटा लूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फिर ऑफिस का काम खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। हाँ तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा। मैं ऑफिस का काम ख़त्म किया मैंने और उसके बाद मुझे आ गई बहुत तेज़ नींद, क्योंकि मैं रात भर सोया तो था नहीं। सुबह सोया था और फिर सुबह जल्दी उठ गया था, तो इस वजह से मुझे आ गई इतनी तेज़ नींद कि मैं जाके सीधे सो गया। और फिर मैं सो के उठा, मैंने नहाया वहाया, लेकिन अब भी मेरी आंखों से नींद नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है नींद भरी पड़ी है, जबकि मैं पूरे पूरे 3 घंटे सोया हूँ दोपहर में। हाँ तो ये मैंने अमेज़न से डाटा केबल ऑर्डर की, मेरी एप्पल की केबल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल देख सकते हैं कट गई है पूरी एकदम। तो अभी मैंने एप्पल से अमेज़न से एक ऑर्डर की है, अमेज़न बेसिक की, उसको तो देखते हैं। केबल की क्वालिटी तो सही लग रही है। सिक्स फीट थी, देखते हैं कितनी लंबी है। कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वैसे तो। बाकी मैं यूज करूंगा तो आपको इसके रिव्यू दूंगा कि कैसी थी, ये बताऊंगा आपको जैसा होता है। तो चेक करते हैं इसको चार्जिंग में लगा के, चल रही है या क्या सिचुएशन है। सही है। तो आज जिस बारे में मुझे बात करनी है वो इस बारे में है कि कल मैं गया था हॉस्पिटल किसी वजह से। और वो वजह ये थी, एक्चुअली मेरी एक कज़िन सिस्टर यहीं रहती है पास में, जिसको डॉग ने काट लिया। वो शॉप पे कुछ सामान लेने गई हुई थी और वहीं पे एक डॉग ने उसके पैर में पूरा काट लिया और उसके काफ़ी गहरा दांत घुस गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गया उसके। तो वो जैसे तैसे एक इंजेक्शन तो उसने लगवा लिया था, बट वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल। तो कल मैं हॉस्पिटल गया था एमजी रोड पर उसको दिखाने। तो उस हॉस्पिटल में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वहाँ पर ना किसी ने हमारा हाथ सैनिटाइज करवाया, ना किसी ने कुछ कहा, और सब ऐसे ही बिना मास्क के घूम रहे थे, ना किसी कोई टेंशन थी ऐसा। जबकि वो एरिया हॉटस्पॉट एरिया में आता है, वहाँ पे एरिया सील कर रखा गया है। मैं घुमा फिरा के गया था बाइक से, बट फिर भी वहाँ पर किसी कोई भी टेंशन नहीं थी। ऐसा लग रहा था किसी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोरोना वायरस नाम की चीज़ है भी या नहीं है। हॉस्पिटल्स का ये तो हाल है, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए क्या कंडीशन हो रखी है सब कहीं। उसके बाद मैं जब उस हॉस्पिटल के अंदर जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ 4-5 ही डॉक्टर थे, इससे ज़्यादा डॉक्टर्स भी नहीं थे। और मेडिकल पे भी उनका जो खुद का फार्मेसी थी वहाँ पे भी सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, ना कुछ मास्क लगाया था ना कुछ। एक सैनिटाइज़र की बोतल बस उन्होंने सामने रख रखी थी, वो भी ना वो कोई कस्टमर को कुछ पूछ रहे थे ना कुछ, उनको बस अपने पैसे से मतलब था। उन्होंने सीधे अपना हिसाब किताब किया और उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था कि कोरोना वायरस फैला है क्या कुछ। जबकि उनका हॉस्पिटल जिस रोड पे था वो रोड खुद ही दोनों साइड से सील कर रखी गई थी, दोनों साइड से रास्ते बंद थे। हमें खुद बाइक बाहर खड़ी करके पैदल आना पड़ा वहाँ उस हॉस्पिटल तक। और जैसा कि आप सबको खुद बहुत अच्छे से पता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में अब किसी भी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं बचे हैं, ठीक से एक भी बेड्स नहीं बचे हैं। और अगर जो बचे भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गिने चुने, तो उनके इतना हाई चार्ज किया जा रहा है। जो आईसीयू हैं उनका पर डे लाख लाख रुपए तक जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके बाहर 4-4, 5-5 घंटे की लाइन लग रही है। तो कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हमारे यहाँ सब कहीं कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है दिन ब दिन। और इससे बच के हमें खुद ही रहना है, कोई हमें बचा नहीं पाएगा या कोई भी इसका प्रॉपर इलाज भी नहीं है। तो इससे सबसे बेटर तरीका है कि आप मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें, किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लें। और जैसे ही आपको लगे कि आप किसी जो हॉटस्पॉट एरिया में गए हैं या फिर आपको ऐसा लगे कि किसी
मतलब ऐसे आदमी के कॉन्टैक्ट में आए जिसको शायद कुछ खांसी जुकाम ऐसा कुछ हो, तो आप तुरंत घर आए, मतलब जैसे ही घर आते हैं और घर आते हैं सबसे पहले नहा लें और उसके बाद जो भी कपड़े वपड़े हों उनको धो डालें या फिर बाहर ही छोड़ दें 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद ही उनको छूएं। और जो भी सामान आप घर पर मंगाते हैं उसको सबसे पहले वॉश करें गर्म पानी और नमक के पानी से, और उसके बाद उसको उसके बाद फिर पड़ा रहने दें या फिर कुछ देर तक बालकनी में 12 घंटे तक, उसके बाद उसको वॉश करें तब उसको यूज़ करें। मेरी बस आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी हो जैसे भी हो बस सेफ रहो, कैसे भी करके बचे रहो, और क्योंकि रिकवरी रेट हमारे देश की बढ़ रही है बट उसी के साथ संक्रमण भी बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, लोग एक से दूसरे में फैलता ही जा रहा है। तो हमें अगर जितना कम हम मतलब कि कॉन्टैक्ट में आएंगे किसी के या फिर ऐसे रिस्की एरिया में कम जाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमारा इंडिया रिकवर हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी होगी मिलजुल के एक साथ कि हम जितना कम से कम हो सके ऐसे रिस्की एरिया में जाएं या रिस्की लोगों के कॉन्टैक्ट में जाएं, या फिर अगर निकलते भी हैं बाहर तो फुल सेफ्टी के साथ निकलें, मास्क सैनिटाइज़र हैंड ग्लव्स ज़रूर अपने साथ रखें, उसके बिना बाहर ना ही निकलें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सबसे कि जो जहाँ है जैसा है सेफ रहे, इसके सिवा मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि बस सब सेफ रहें और कुछ नहीं चाहिए किसी को, ठीक है? तो अपना ध्यान रखें और जहाँ भी जाएं सेफ्टी के साथ रखें। टिल देन अपना ध्यान रखिए सब लोग, मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से व्लॉग से, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में या कोरोना के बारे में, आप जो भी कहना चाह रहे हैं मेरे से, या फिर शायद अगर मेरी कोई गलती हो मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो मैंने तो वो भी प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट करके ज़रूर बताएं। टिल देन अपना ध्यान रखना, बाय बाय।